दुनिया में ना जाने कितने अजीबोगरीब जीव मौजूद है, जिनमें अनेकों खूबियां भी मौजूद है। इन्हीं में से एक जीव है कछुआ। आपको बता दे दोस्तों, ये जितना साधारण दिखता है उतना है नहीं। ये धरती पर करोड़ों सालों से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। कछुआ तब से हमारी धरती पर मौजूद है जब डायनासोर हमारी पृथ्वी पर राज करते थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस जमाने में कछुए इतने बड़े आकार के हुआ करते थे कि एक डायनासोर को भी खा जाते थे। लेकिन आज हम ऐसे कछुए से आपको मिलाने वाले हैं जो आपकी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि उसकी कीमत करोड़ों में होती है। आपने पानी की बारिश होते देखी होगी, पर यह कछुआ नोटों की बारिश करा सकता है। कछुए से लोगों के रातों रात अमीर बनने की कहानियां समय समय पर सुनने में आ ही जाता है। ये एक ही पल में कंगाल को मालामाल और रंग को राजा बनाने का मादा रखता है। और ये कछुआ है 20 नाखून वाला कछुआ। आज के वीडियो में हम इस कछुए के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जिसे जानकर आप आश्चर्य से भर जाने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आपने देखने के लिए चुना है तो पूरे आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो को देखने का मतलब होगा, वरना आप यहीं से वीडियो को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, कछुओं की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक मानी जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम एस्टुडाइंस होता है। आपको बता दे दोस्तों, समय के साथ इसकी कई प्रजातियां अस्तित्व में आई और विलुप्त हो गई। कछुओं की सबसे पहली प्रजाति आज से 15.7 करोड़ वर्ष पहले उत्पन्न हुई थी। माना जाता है ये प्राचीन प्रजातियां स्तनधारियों, चिड़ियों और छिपकलियों से भी पहले धरती पर अस्तित्व में आ चुके थे। कहा जाता है कि कछुए के दिमाग को इसके शरीर से अलग कर देने पर भी ये 6 महीनों तक जिंदा रह सकता है। कछुओं के मुंह में दांत नहीं होते, बल्कि इसमें तीखी प्लेट जैसी हड्डी का पट होता है जो भोजन को चबाने में इनकी सहायता करता है, जिसकी धार बहुत ही तेज होती है। कई बार कछुओं को पक्षियों का शिकार करते हुए भी देखा गया है। इसके देखने और सूंघने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। कछुए रात में भी शिकार कर सकते हैं, क्योंकि आसानी से रात के अंधेरे में भी देख लेते हैं। यह रंगों को देख सकते हैं और पराबैंगनी किरणों से लेकर लाल रंग तक को देख सकते हैं। इनकी प्रजातियों की अगर बात की जाए तो संसार में लगभग 327 प्रजातियों के कछुए मौजूद है, जिसमें सबसे बड़े समुद्री कछुए का नाम गैलापागोस कछुआ है। गैलापागोस कछुआ लगभग 4 फुट लंबा और 300 किलोग्राम तक भारी होता है। कछुए ज्यादा से ज्यादा 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। कछुए की कुछ जातियां विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसकी 327 प्रजातियां आज भी अस्तित्व में हैं। इनमें से कई जातियां खतरे में है और उनका संरक्षण करना एक चिंता का विषय है। कछुए को सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाला प्राणी माना जाता है। इसकी उम्र 300 साल से भी अधिक होती है। इसके कवच की बात करें तो कछुओं का कवच बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। इसका विकास समय के साथ मौसम की कठिन परिस्थितियों में जमीन के नीचे रहने के दौरान उनकी सुरक्षा करने के लिए विकसित हुआ है। कछुए खतरा होने पर अपने सिर और पैरों को सिकुड़ कर कवच के अंदर छुप जाते हैं। कछुए ठंडे खून वाले जीव होते हैं। ठंड में इनका शरीर जम जाता है और यह शीत निद्रा में चले जाते हैं। ये अंडों के सहारे नए बच्चे पैदा करते हैं। ये अंडे देने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहाँ सूरज की रोशनी ठीक ठाक आ रही हो। वे पहले एक जगह मिट्टी खोद लेती है, फिर अंडे देती है। मादा कछुआ एक बार में करीब 30 तक अंडे देती है और 90 से 120 दिन के बीच इनके बच्चे अंडों से बाहर निकल आते हैं और अंडों से निकलते ही चलना शुरू कर देते हैं। हिंदू धर्म में कछुओं को घर में रखना काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कछुआ जिस घर में होता है वहाँ पैसों की कमी नहीं होती। बात करें 20 नाखून वाले कछुए की, तो इसकी बनावट भी दूसरे सामान्य कछुओं की तरह ही होती है। इसके बारे में एक धारणा है कि जिस कछुए की परत जितनी ज्यादा पतली होगी और उसकी खाल जितनी साफ सुथरी होगी, मतलब उसमें किसी प्रकार की खरोच ना हो, तो उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है।
कछुए को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का एक अवतार माना गया है, जिसके संग में माँ लक्ष्मी होती है। जब कछुए पर साधना की जाती है तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर पैसों की बारिश करती है। कछुए के पीठ पर जितने रुपये का नोट चिपकाया जाता है, ये उतने ही रुपये के नोटों की बारिश करती है। इसके बारे में कहा जाता है, यदि किसी को दमा या टीबी की बीमारी हो, इसके मांस खाने से इन बीमारियों में लाभ होता है। लेकिन आपको बता दे दोस्तों, कछुए से पैसे बरसाने की बात पूरी तरह गलत है। लोग कछुए से पैसे बरसाने के नाम पर पैसा ऐंठ लेते हैं। ये पूरे गिरोह के रूप में काम करते हैं। इसमें लोगों से कहा जाता है कि आप 12, 18 या 20 नाखून वाला कछुआ लाइए, हमारे पास ऐसा बाबा मौजूद है जो इन कछुओं से नोटों की बारिश करा देगा, और कुछ रकम वो एडवांस में मांग लेते हैं। अब आदमी कछुए की तलाश में लग जाता है, और इसी बीच ये गिरोह उनसे समय समय पर थोड़ी थोड़ी करके लाखों रुपये ठग लेते हैं। उनके पास कोई पैसा बरसाने वाला बाबा वाबा नहीं होता। वे जानते हैं कि वो आदमी इस प्रकार का कछुआ नहीं ला सकता, और अगर गलती से उनको कछुआ मिल भी गया तो इन गिरोह के पास तैयार रहता है प्लान बी। गिरोह के लोग पैसा बरसाने के जगह पर बतौर सिक्योरिटी राशि एक बड़ी रकम पहले लेकर आने के लिए बोलते हैं, और जब आदमी कछुआ और पैसों की व्यवस्था कर लेता है तो गिरोह में एक ऐसा आदमी होता है, जैसे आपने भी कभी सड़कों पर देखा होगा, जादूगर कहे या नज़रबंद का खेल, जिसमें जादूगर लोगों की नज़र बंद करके हवा से पैसे निकालने लगता है। बस यही ट्रिक उस जगह पर भी किया जाता है जहाँ पर पैसे बरसाने की साधना किया जाता है। उस जगह पर नज़रबंद का ट्रिक यूज करके पैसों की बारिश करा दी जाती है, और गिरोह के लोग असली पैसे और कछुओं को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। ये लोग एक कछुए को 20 से 30 लाख में बेचते हैं, चंद रुपयों के लिए इन कछुओं का अवैध कारोबार करते हैं। सिर्फ कछुए ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे जीवों का अवैध कारोबार इनके द्वारा किया जाता है। जब तक यह काम करा रहे लोगों को होश आता है, तब तक सारे पैसे जैसे हवा से आए थे वैसे ही हवा में गायब भी हो जाते हैं, और उन्हें पछतावे के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता। तो दोस्तों, इस प्रकार के लोगों से आप भी सचेत रहे, सावधान रहे। इस वीडियो का दूसरा पार्ट अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखे पार्ट टू। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।